कैबिनेट के चेयरमैन सुभाष कात्याल ने भाजपा को देशभर सहित हरियाणा में मिली बंपर जीत की खुशी में अपने कार्यालय में लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर समर्थकों से घिरे कात्याल ने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए जीत को मोदी की सुनामी बताया तथा सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शिता और पारदर्शी सरकार को भी जीत का श्रेय दिया। इस अवसर पर पटाखे भी छोड़े गए। सुभाष कात्याल ने कहा कि पूरे देश में मोदी के आगे कोई नहीं टिक पाया। 4 महीने बाद हरियाणा में चुनाव होंगे और इसी तरह जनमत हासिल होगा। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि अब किसी भी राजनीतिक दल का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनकी नीति और नियत में फर्क रहता है, जबकि बीजेपी की सुपरस्टवादी राष्ट्रीयता की भावना है। ये जो भारतवर्ष की जनता ने एक महान जनादेश दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, इसका सभी स्वागत करते हैं। सभी भारतवासियों को हम मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रतिरोध के बावजूद जो अपोजिशन पार्टी कर रही थी निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, लोगों को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भारतवर्ष की महान जनता ने बहुत समझदारी का परिचय दिया मतदाताओं ने, और 350 के करीब करीब जो बहुमत पे जीत कर एनडीए का सरकार बनने जा रही है, इसके लिए हम सब जो खड़े हैं मुक्त हृदय से भारत जनता का धन्यवाद करते हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी को और मनोहर लाल खट्टर जी को, जिनके अच्छे संयोजन से हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है, हम मुबारकबाद देते हैं। क्या मानकर चलते हैं कि फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट है किशन पाल गुर्जर एक बार फिर से जीते हैं, पिछली बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे, क्या मानकर चलते हैं कि इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है क्या उनको? देखो, लीड पहले से भी बढ़ गई है, पहले 4,66,000 थी, अब लगभग 5 लाख हो गई है, तो उम्मीद करते हैं सब कि उनको कैबिनेट रैंक मिलेगी। हरियाणा में किशन पाल गुर्जर के अलावा भी कई बड़ी जीत हुई है। हाँ, संजय भाटिया की करनाल में 6.5 लाख की जीत है, क्या आप उनको भी मान? दोनों को हम मंत्रिमंडल में चाहते हैं, दोनों को। जो आज की जो जीत है, कांग्रेस के बारे में और दूसरी पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी पर नैतिक आधार खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं, कोई नेता नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाते लगाते वो खुद खोखले हो गए। वो देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़े थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, उनको भारत की जनता से कोई लगाव नहीं है, वो खाली सत्ता चाहते थे, और लोगों ने उनके खेल को समझ लिया और उनकी बातों में नहीं आए। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने यह आरोप भी लगाया कि ईवीएम में बड़ी भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये देखो, पंजाब में ईवीएम से कांग्रेस पार्टी जीती, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, राजस्थान में कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, तो क्या वहां ईवीएम नहीं था? अरे, ये तो बहाना लगाना है। सबसे पहले दिल्ली में जीती। इसी तरह से अब जो ईवीएम, तो सब न्याय की बात है, ये तो एक अच्छी मशीनरी, एक अच्छा सिस्टम है जिसका खूब टेस्ट कर लिया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, कांग्रेस वालों पर युक्ति सिद्ध होती है। 4 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, क्या मानकर चलते हैं कि इस लोकसभा की जो जीत हासिल हुई है आपको? लोगों ने जो जोश दिखाया है हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाकर नौकरियों में मेरिट की बात शुरू करके किसानों की, मजदूरों को, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने जो स्टेप उठाए हैं, उनकी बदौलत हरियाणा प्रदेश की जनता 10 की 10 सीटों के साथ साथ 90 की 90 सीटों में पूरे बहुमत से मनोहर बक्कर ये मानकर चला जा रहा है कि मोदी फैक्टर इस बार फिर कामयाब रहा है। किसी भी जनसभा में मोदी ने कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मांगे, कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपने ही लिए कहा कि आपका वोट मेरे खाते में जाएगा। अरे, लोग मोदी को चाहते थे, लोगों की बात को मोदी ने ऊपर रखा, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वही भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाएंगे, इसी बात को लेकर चले। हरियाणा में क्या सीएम का चेहरा मनोहर लाल ही रहेंगे या दूसरा चेंज भी हो सकता है? मनोहर लाल खट्टर जी ने दिखा दिया है कि वो कितने परिपक्व है, कितने मजबूत है, कितने ईमानदार है, उनकी नीतियां, उनकी नीयत, उनकी दृष्टिकोण सबने शो कर दिया है, वही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश की जनता ये चाहती है। हरियाणा में भी अन्य प्रदेशों की तरह मोदी फैक्टर चला है, ये तो आप मानकर चलते हैं? यहाँ मोदी और तो मनोहर लाल का संयोजन, सीएम का मनोहर लाल का इसमें क्या योगदान मानकर चल रहे आप? इसमें मनोहर लाल जी का इतना बढ़िया संयोजन रहा है मोदी जी के साथ कि इन्होंने जो विकास कार्य नीति अपनाई, जो लोगों की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, मजदूरों की, आम आदमी की बेहतरी के लिए जो स्टेप उठाए, उसकी बदौलत मनोहर लाल जी द्वारा
सीएम बनेंगे।